पूरा ब्रिज ज़िगज़ैग होता हुआ जा रहा है। काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट मुझे नज़र आई है। रिटेनिंग वॉल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल कलंदिया चौक के। और यहाँ के जो व्यूज़ हैं मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये सब टीम अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ हम बताएँ चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ, नया नाज़ाबाद फ्लाई ओवर यहाँ पर बनने जा रहा है। मैं इस वक्त इस एच पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पे रास्ता जाके नया नाज़ाबाद की तरफ जाकर मिलेगा। इससे पहले भी मैं इस मुतालिक अपडेट कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट मुझे नज़र आई है। रिटेनिंग वॉल के हवाले से काफ़ी यहाँ पर काम चल रहा है। ये दीवार पहले बनाई जा चुकी थी, इसके मुतालिक मैं पहले भी आप लोगों को अपडेट कर चुका था, लेकिन मैं बात करूँ अगर इस साइड की दीवार की, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है। नया नाज़ाबाद फ्लाई ओवर के मुतालिक ये अपडेट है। टीम इस पर काम कर रही है। 1 मई है, लेबर डे है, लेकिन लेबर की छुट्टी नहीं है। क्या आप लोगों के सामने इस वक्त के लेटेस्ट व्यूज, स्टील यहाँ पर मज़ीद आया है और स्टील की इस वक्त अनलोडिंग चल रही है। मैं मज़ीद आगे की तरफ को चलूँगा और जो भी डेवलपमेंट मुझे यहाँ नज़र आती है, जो भी प्रोग्रेस मुझे नज़र आती है, वो इंशाल्लाह मैं आप तमाम लोगों से शेयर करूँगा। इस वक्त यहाँ पर स्टील अनलोडिंग का काम चल रहा है। रिटेनिंग वॉल के हवाले से ये स्टील यहाँ पर पहुँचा है और ये स्टील अनलोडिंग इस वक्त चल रही है। कोशिश करूंगा छोटा सा मोटा ब्लॉग बना के फ्लाई ओवर के नीचे से जो भी व्यूज़ हैं शूट करके वो भी आप लोगों को दिखाऊं। इस वक्त नया नाज़ाबाद ब्रिज के नीचे मैं फ्लाई ओवर के नीचे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे ये पूरा ब्रिज ज़िगज़ैग होता हुआ जा रहा है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रॉक की कटिंग का काम भी चल रहा है, एक्सकेवेटर इस वक्त वहाँ लगा हुआ है और काम कर रहा है। थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट करके दिखा दूँ, यहाँ पे बादशाह लोग लगे हुए सिगरेट वगैरह पीने में लगे हुए हैं। इसको कहा जाता है कि चर्च वगैरह पीने का बेहतरीन माहौल यहाँ पर बनाया हुआ है।
वक्त मैं नैनाजाबाद फ्लाईओवर की दूसरी साइड पे आके खड़ा हुआ हूँ और यहाँ के जो व्यूज़ है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इस वक्त टीम यहाँ काम कर रही है और शटरिंग लगाने का काम चल रहा है। डिवाइडिंग वॉल है जिसके ऊपर काम चल रहा है। सामने रास्ता सखी हसन चरंगी और सरीना मोबाइल मार्केट की तरफ को जाता है और ये सब यहाँ पर टीम लगी काम कर रही है और शटरिंग लगाने का सब काम यहाँ पर किया जा रहा है। इसी तरह अगर मैं आपको दूसरी तरफ की पोजिशन दिखाऊँ तो सामने रास्ता नाजाबाद फ्लाई ओवर के ऊपर जा रहा है और ऊपर की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे ईद के बाद रोड कारपेटिंग का काम होना था जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है और इस मुतालिक मैंने पूछा भी यहाँ पे जो साइड इंजीनियर हैं तो वो कह रहे हैं 5 से 6 दिन मज़ीद लगेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे रोड कारपेटिंग का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस एक साइड की कारपेटिंग मुकम्मल कर दी गई है और इस एक साइड की कारपेटिंग फ़िलहाल अभी रहती है। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर ऊपर जाने का रास्ता हुआ और जाने की इजाज़त मिल गई तो इंशाल्लाह ऊपर चल के कुछ व्यूज़ वगैरह शूट करके आप लोगों को ऊपर से भी अपडेट करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सर बिल्कुल कलंदिया चौक के टॉप पर मौजूद हूँ। ये रास्ता शादमान टाउन की तरफ को जा रहा है। सामने सखी हसन कब्रिस्तान है और नीचे की साइड पर ये सरीना मोबाइल मार्केट और ये रास्ता शाहरा नूरजहाँ को जाता है।